हेलो एवरीवन, मेरा कैसे आप सबका अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5th गाइस, उसका फर्स्ट पार्ट जो 5.2 एक्सरसाइज से है। पूरा वीडियो जरूर देखिए और आपको समझ में आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए मैं बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इस एपी में टोटल कितना टर्म है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिये, जो लास्ट टर्म होता है वो आपका क्या होता है, एन होता है गाइस। तो एन इसका इसमें हो गया 205, और जो फर्स्ट है ये आपका ए होता है 7, और जो ए टू है गाइस ये होता है आपका 13। तो आप डी फाइंड आउट कर लीजिए, डी इसका टू क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, दैट मीन्स 13 माइनस 7 इसका टू हो गया 6, ये आपका डी आ गया। अब देखिए, हम एन से जाएंगे, एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइस इज इक्वल टू 205। एन का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, उसके बराबर में देखिए एन गिवेन है 205, तो वो लिख देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो गिवेन है आपके पास ए 7 है, एन नहीं है, और डी आपके पास देखिए 6 है, तो 6 205 गाइस। अब इसे 7 प्लस 6 एन माइनस 6 6 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ देखिये 7 माइनस 6 कितना होगा, 1 प्लस 6 एन इसको 205। नाउ 6 एन इसका टू क्या हो जाएगा, 205, 1 को आप इधर लाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। नाउ देखिए 6 एन इसका टू क्या हो जाएगा, 204, इसलिए एन इसका टू करेंगे तो 204 अपॉन 6 ये रिड्यूस कर दे, 6 थ्री जा एन 6 फोर जा, 6 थ्री जा 18, 2 आ गया 24, 6 फोर जा 24 यानी 34, दैट मीन्स एन इसका टू निकला 34, ठीक है। नाउ द टोटल टर्म इज इक्वल टू 34 गाइज, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। अगर समझ में आया हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।